जय श्री राम। दोस्तों, सभी भाई और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल पर नए हो और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को आप ऑन कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो आज हम जानेंगे कि सुंदरकांड पढ़ने का क्या महत्व है, किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और इससे अपने को क्या फ़ायदे होते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 5वां अध्याय है, जो कि भगवान श्री हनुमान के जो बखान किया गया है उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने क्या क्या कार्य किया गया है इसके बारे में बखान उनमें किया गया है। तुलसीदास जी ने इसमें बताया कि कैसे वो समुद्र पार करके सीता माता से जो है भेंट करने गए और लंका को जला के कैसे जलाया और भगवान श्री राम तक उनका संदेश सीता माता का पहुंचाया। तो ये सब सोपान इसमें उनके बारे में जो है हनुमान जी के बारे में बताया गया है। इसको कब पढ़ना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें मंगलवार या शनिवार या पूर्णिमा के दिन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके इसको एक दिन मतलब पढ़ना चाहिए, एक दिन में एक पूरा ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको टुकड़ों में पढ़ेंगे तो उसका पूरा जो आपको फल है वो नहीं मिल पाएगा। इसको 40 मिनट से एक घंटे के बीच में इसको लगता है, तो इसको आप एक दिन में ही इसको पढ़ के इसका पूरा जो फ़ायदा आप इसका फल है जो प्राप्त कीजिए। और विधि के रूप में इसमें क्या है कि आप जो भगवान से जो हनुमान की मूर्ति जो है वो रखिए, उनको साफ एकदम बिल्कुल साफ़ सफाई आप करके रखिए। हनुमान जो राम दरबार है वो पूरा वहाँ पे रखिए और दीपक जला के अच्छे से सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड के क्या फ़ायदे हैं? सुंदरकांड के बहुत फ़ायदे, अनंत फ़ायदे हैं। इससे आपका किसी तरह का भी बड़ा कष्ट है वो आपका कष्ट कट जाएगा। आपका कोई भी जो निवारण नहीं हो रहा, कहीं से भी आपको रास्ता नज़र नहीं आया, रास्ता आपको नज़र आने लग जाएगा। आपका किसी ऋण हो गया, ऋण मुक्त करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, आपको पॉजिटिविटी बनाएगा, आपको आत्मविश्वास आपको बढ़ाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो फल है जो सुंदरकांड से अपने को मिलता है, अनंत आपको फल मिलते हैं। तो सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जो बखान किया है, इसके जो रामचरितमानस का सबसे जो है इसमें सुंदरकांड जो पढ़ने वाला है, पढ़ाई जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, और इसका आप जो रोज़ है इसका पाठ कीजिए और आपकी जो भी परेशानी है वो आपको इसका निवारण मिलेगा। और इस तरह की वीडियो आप जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी आप कमेंट कीजिए। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जो आप पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सभी भाइयों को मैं कोटि कोटि प्रणाम।